नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में पिछले दिनों जिस प्रकार से न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों के साथ साथ अब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर एलिया राजा टी द्वारा जिला अस्पताल विक्टोरिया का अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया गया। वहीं जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को फटकार लगाई गई। वहीं फायर सेफ्टी जिला कलेक्टर के द्वारा चेक किए गए। वहीं मामले में सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि अग्निकांड के बाद से ही निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना जबलपुर संस्कारधानी में न हो, जिसके लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निजी अस्पतालों के साथ साथ शासकीय अस्पतालों को भी निरीक्षण करके चेक किया जा रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। विगत दिवस जो शहर में एक अस्पताल में अग्नि दुर्घटना हुई थी, तो माननीय कलेक्टर महोदय का एक बहुत अच्छा सोच है कि हम सरकारी अस्पतालों में भी निरीक्षण करें और जो भी कमियां यदि हैं तो उसको सुधारें। तो कलेक्टर महोदय जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में निरीक्षण के लिए आए हैं, उनके साथ नगर निगम कमिश्नर और CEO मैडम हैं। वे अभी उन्होंने ICU का निरीक्षण किया है, जहाँ भी कोई कमियाँ पाई जा रही हैं, ट्रांसफार्मर में कुछ कमियाँ मिली हैं, इसके अलावा पैनल रूम में कुछ कमियाँ मिली हैं, अभी NRC का निरीक्षण करना है। जो भी कमियाँ मिली हैं उसमें सुधार कार्य करने के लिए जो भी राशि लगेगी, तो सर ने ये इच्छा जताई है कि वो DMF फंड से उस राशि को उपलब्ध कराएंगे और बहुत जल्दी जो कमियाँ अस्पताल में हैं उसको पूरा करेंगे। सर, अभी कमियों के दौरान कुछ अधिकारियों को उन्होंने डाटा के प्रकार भी लगाया। जी देखिए, जहाँ कमी मिलेगी निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब नाराज़ होंगे कि अधिकारियों की जिसकी जिम्मेदारी है उस कार्य को कराने की, तो निश्चित तौर पे वो नाराज़ तो हुए हैं। लेकिन ये देखिए क्या होता है कि ये ज़रूरी भी है, जिससे उनका पक्ष भी सबके सामने आए कि ये काम कितनी जल्दी कराना चाहिए। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।